बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक विद रैनीज़ किचन। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोहन हलवा की रेसिपी। बहुत ही अच्छा हलवा आज मैं घर पर बनाना आपको सिखाऊंगी। देखिए कितना ठोस है ये और कितना अच्छा बनाकर मैंने आज इसे तैयार किया है, बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस के साथ। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा है ये, खुद से ही खड़ा हुआ है यहाँ पर, मैंने इसे पीछे से सपोर्ट दिया है थोड़ा सा, और कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोहन हलवा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम देसी घी, 250 ग्राम चीनी, 1 चम्मच दही है मेरे पास, इसे मैंने बीट कर लिया है, लेमन जूस लिया है मैंने, बेसन लिया है यानी ग्राम फ्लोर, मैदा लिया है यानी ऑल पर्पस फ्लावर, ये मैंने हाफ कप लिया है, साथ ही मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ, जिसे मैंने अच्छे से सोख करके रख दिया था, और ये मैंने 3 दिन तक के सोख किया है, जिससे इसमें स्प्राउट्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं एक गेहूँ में कितने ढेर सारे स्प्राउट्स आ गए हैं। तो इस तरह से आपको 3 दिन तक के इसे सोख करके रखना है, और हर 3 घंटे के बाद मैंने इसका पानी चेंज किया था जिसमें मैंने सोख किया था। अब मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है, और साथ ही हमें चाहिए होगा पानी, तो हमें जितना भी पानी लगेगा हम आपको बता देंगे। तो चलिए अब हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस गेहूं को अब मैं ग्राइंडिंग जार में ऐड करके ग्राइंड कर लूँगी। गाइज़, आप देख सकते हैं मैंने व्हीट को अच्छे से यहाँ पर एक बैटर बनाकर तैयार कर लिया है, इस तरह का फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, और इसमें ऐड करूँगी मैं हाफ कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लावर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच घी यानी 2 टीस्पून ऑफ घी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइज़, अब आप देख सकते हैं ये इस तरह का तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बीट किया हुआ दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा दही इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे इसे। आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा पानी आपको एक ही बार में नहीं ऐड करना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। गाइज, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर लम फ्री हो गया है हमारा पेस्ट, और काफ़ी वाइट भी हो गया है। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ गेहूँ ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है गेहूँ इसमें, और अच्छे से अब इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें ज़्यादा सा पानी डालकर इसे अच्छा गीला कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी फ्लोई हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी, बस इसी तरह की आपको चाहिए थी। गाइस, अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर लिया और इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है। इस तरह से कंटिन्यूस धीरे धीरे हिलाते हुए हम इसे पकाएंगे। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर रही हूँ, और बहुत ही धीरे हाथों से, मतलब बहुत ही धीरे धीरे मैं इसे चला रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बॉईल आने वाला है, और मैं इसे कंटिन्यू चला ही रही हूँ जब से, बहुत धीरे धीरे। आप देख सकते हैं बॉईल आ रहा है यहाँ पर। अब मैंने गैस ऑफ कर दी है, और अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसे वापस से कढ़ाई में डालेंगे। इस तरह से मैंने इसे फिर से कढ़ाई में डाल दिया है। मैंने फिर से गैस ऑन कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम चीनी। अब हम इसे एक बॉईल आने तक बहुत ही धीरे धीरे चलाएंगे। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉईल आ गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पकते पकते ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल हाफ़ हो गई है, जितना था ये बिल्कुल हाफ़ हो गया है उससे। तो अब हम धीरे धीरे इसमें घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अच्छे से इसे अब हम मिक्स करेंगे, और इसी तरह से हम कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे, हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है। फिर से मैं इसमें घी ऐड करूंगी और अच्छे से इसे फिर से मिक्स करूंगी।
इसी तरह से आपको पूरा 250 ग्राम घी इसमें ऐड करना है, एक एक टीस्पून करके ही आपको इसमें ऐड करना है और धीरे धीरे ऐड करते जाइए और इस तरह से मिक्स करते जाइए। फिर कुछ देर के बाद आपको ऐड करना है, इसी तरह से आपको पूरा घी इस हलवे में ऐड करना है। तो इसी तरह से ऐड करते रहिए और मिक्स करते रहिए। गाइस आप देख सकते हैं इसे मैंने लगभग 30 से 40 मिनट तक इसी तरह से कुक किया है और अब मैंने इसमें लास्ट चम्मच जो था घी का वो भी ऐड कर दिया है और इसके साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो बेसन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप ये बात का ध्यान रखें बहुत अच्छे से कि अगर आप पहले से ही इसमें बेसन ऐड कर देंगे तो वो एंड तक के कड़वाने लगेगा, उसका स्वाद जो होगा वो कड़वा हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल सर्व करने से पहले, डिश आउट करने से पहले ही इसमें बेसन ऐड करना होता है और इसे अच्छे से मिक्स करना होता है। तो आप देख सकते हैं और सारा घी डालने में मुझे 30 से 40 मिनट लगे हैं एक एक टीस्पून करके। गाइस अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने इलायचियों को अच्छे से कूट लिया था छिलका हटाकर और अब मैंने उसे इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप साबित इलायचियाँ भी डाल सकते हैं, बट जो मार्केट में मिलता है उसमें पाउडर का ही यूज़ किया जाता है। गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हलवा फिर से घी रिलीज़ कर रहा है जो भी हमने इसमें ऐड किया था और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, आपके पास अगर टाटरी अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हलवा घी छोड़ रहा है। वाह आप टेक्सचर इसका देखिए कितना बढ़िया है और कितना शाइनी हलवा है हमारा। आप गाइस देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर घी रिलीज़ हो रहा है हलवे में से। और अब मैं इसे चेक करने के लिए अब मैं इसे एक स्पून पर लूँगी और फिर देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं। हम इसे ठंडा होने तक के वेट करेंगे। गाइस अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, चलिए इसे एक बार चेक कर लेते हैं निकाल के। आप देख सकते हैं ये अच्छा टाइट हो गया है, बस यही स्टेज हमें चाहिए होगी, बस अब हम इसे मोल्ड में निकाल लेंगे। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से मोल्ड में निकाल दिया है और ऊपर से एक स्पैचुला की हेल्प से मैं इसे प्लेन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे 20 से 30 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे और फिर आपसे मिलते हैं, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा। सो गाइज अब आप देख सकते हैं 20 से 25 ही मिनट हुए थे यहाँ पर और ये अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं इसे डीमोल्ड कर लूँगी इस तरह से टैप करते हुए, बहुत ही इजीली हो जाएगा ये। और ये देखिए आप एक बार में निकल आया है, तो बहुत ही अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है ये, कितना ठोस है और बिल्कुल जैसा आप खाते हैं मार्केट से ना वैसे ही बना है ये। सो गाइज है ना ये बढ़िया, कितना अच्छा कितना शाइनी हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। और गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ठोस है आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसा आप मार्केट से ख़रीद कर घर लाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनकर आज यहाँ घर में ही तैयार हो गया है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, मैंने इसे डीमोल्ड कर दिया है और देखिए पीछे से मैंने इसे रोक दिया है, कितना अच्छा है ये। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के अल्लाह हाफ़िज़।